ओके चलो स्टार्ट करते हैं. लास्ट टाइम हमने सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था. सर्कुलर मोशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट देखो जरा. सर्कुलर मोशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि कोई भी बॉडी अगर सर्कल में मूव करती है उसके पास एक एक्सेलरेशन होनी जरूरी है जिसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्यों एग्जिस्ट करती है उसका रीजन क्योंकि बॉडी अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर वक्त चेंज करती है. तो बॉडी की डायरेक्शन का चेंज होना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. पहला पॉइंट क्लियर यहां तक. दूसरा, सपोज कोई बॉडी अगर मान लो सर्कल में मूव करती है तो वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जनरेट करती है या उसको प्रोवाइड की जाती है. पत्थर को घुमाना है तो मैं प्रोवाइड करूंगा, साइक्लिस्ट को घूमना है तो फ्रिक्शन भी करेगी और साथ में वो अपने आप को कुछ बेंड भी करेगा. तो अलग अलग केस में अलग अलग जो है फोर्सेस हैं जो एक्ट करती हैं लाइक सेंट्रिपिटल. अब होगा क्या, इसमें हमने सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला किया वो किया वी स्क्वायर बाय आर या हमने किया आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर. क्लियर यहां तक. क्वेश्चन पूछने वाले पे है वो वी की फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है या फिर वो ओमेगा की फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है. यहां तक भी क्लियर है. फिर हमने किया कि एक साइक्लिस्ट सेंट्रिपिटल फोर्स बेंड होके प्रोवाइड करता है और फिर हमने किया कि अगर एक कार है वो बेंड नहीं हो सकती, उसकी बैंकिंग की जाती है और बैंकिंग मींस एक सड़क के एक हिस्से को ऊपर उठा देना बाय एंगल ऑफ थीटा सो दैट उसका भी रिएक्शन का एक कंपोनेंट आर साइन थीटा टुवर्ड सेंटर एड करे और उसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करे. फिर हमने किया एक कार अगर सिंपल राउंड अबाउट के आसपास घूमती है तो फ्रिक्शन उसको प्रोवाइड करता है, सेंट्रिपिटल हेल्प करता है उसे घूमने में. फिर हमने किया कि अगर बैंकिंग भी हो तो हमें मालूम है कि अगर बैंकिंग है तो ऐसे केस में बॉडी को अपने आप सेंट्रिपिटल मिलेगी आर साइन थीटा. और अगर बैंकिंग भी है और फ्रिक्शन भी है फिर तो डबल बेनिफिट होगा, तो उसको और भी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड होगी फ्रिक्शन की वजह से भी और सेंट्रिपिटल की वजह से भी. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक. तो ये केस हमने किए. फिर हमने कुछ एक्स्ट्रा केस भी किए थे जिसमें हमारा पहला केस था, या मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं कि सपोज ये आपके पास एक हेमिस्फीयर था, हेमिस्फीयर अपने एक्सिस पे घूम रहे मान लो ओमेगा के साथ. पॉइंट नंबर वन, जब हेमिस्फीयर ओमेगा के साथ घूम रहे तो हेमिस्फीयर का हर पार्टिकल का ओमेगा सेम रहेगा. मतलब मेरे क्वेश्चन में पहले तो ये गिवन है ओमेगा इज कांस्टेंट, पूरे हेमिस्फीयर के लिए ओमेगा इज कांस्टेंट. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और उसने थीटा एंगल कवर किया टी टाइम में तो अगले पार्टिकल ने भी थीटा ही एंगल कवर किया होगा टी टाइम में, तीसरे पार्टिकल ने भी ओमेगा एंगल थीटा एंगल कवर किया होगा टी टाइम में. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आपके पास एक डिस्क है और मेरा ये मानना है कि ओमेगा डिस्क के लिए क्या है, कांस्टेंट है. तो अगर ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है तो अगर ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है एम और मान लो ये वाला पार्टिकल यहां से यहां जाता है कवरिंग एन एंगल ऑफ थीटा घूमते हुए, तो इसके जो अगले पार्टिकल होंगे पीछे वाले जो पार्टिकल होंगे वो भी सेम एंगल कवर करेंगे थीटा इन टाइम टी, ऐसे ये वाले पार्टिकल भी सेम एंगल कवर करेंगे इन टाइम टी, तो हर पार्टिकल का ओमेगा विल रिमेन सेम. क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ऐसा नहीं होता कि किसी का ओमेगा डिफरेंट है किसी का ओमेगा डिफरेंट है, तो ओमेगा की वैल्यू हर पार्टिकल के लिए क्या रहेगी, सेम. कोई डाउट इसमें? तो जब मैं बोलता हूं कि जो हेमिस्फेयर है उसका ओमेगा कांस्टेंट है तो हेमिस्फेयर के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका ओमेगा क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम. राइट, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ओमेगा की वैल्यू सेम रहेगी. तो अगर सपोज करो एक इंसेक्ट है वो मान लो यहां पर है तो इंसेक्ट अपने छोटे सर्कल में मूव करता जाएगा,
तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया था कि आप इस इंसेक्ट का सबसे पहले वेट लेंगे और वेट कहाँ करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स करेगा एमजी। नॉर्मल रिएक्शन कभी भी कर्व्ड सरफेस हो, चाहे हेमिस्फेयर हो चाहे स्फेयर हो, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कहां से पास करेगा, बॉडी के इस हेमिस्फेयर के सेंटर से। तो ये सेंटर से ही पास करेगा हमेशा, ये रूल है। और मान लो इसके साथ इसने कितना एंगल बनाया था, थीटा, और इसका जो घूमने का रेडियस था वो कुछ और था, वो कितना था, स्मॉल आर। ऐसे ही है, इसमें स्मॉल आर है। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ा है और उसके दो कंपोनेंट्स होंगे इसमें। अगर ये थीटा है तो सपोज ये भी कितना है, थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे n इनटू cos थीटा और एक n इनटू sin थीटा। तो इस इंसेक्ट का सेंटर c डैश यहां पे है, c डैश यहां पे है। तो इस केस में इसको सेंट्रिपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है, आप बोलेंगे n sin थीटा, राइट। और n cos थीटा क्या कर रहा है, मैंने बताया था जो n cos थीटा है वो किसको बैलेंस करेगा, वेट mg को। और उसी तरीके से n sin थीटा इज m छोटा r इंटू ओमेगा स्क्वायर। पर मैंने ये भी बताया था इस टाइप के न्यूमेरिकल में छोटा r कभी गिवन नहीं होता, इस टाइप के न्यूमेरिकल में हेमिस्फीयर का रेडियस गिवन होता है, छोटा r तो हमने निकालना होता है। कैसे, इस ट्राइंगल में sin थीटा की वैल्यू हमने ली थी स्मॉल r बाई कैपिटल r, तो स्मॉल r इज इक्वल टू r sin थीटा। तो स्मॉल r की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, तो n इंटू sin थीटा m r इंटू साइन थीटा इंटू ओमेगा का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर टू और वन को अगर डिवाइड करें तो साइन और साइन तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो n डिवाइडेड बाय n cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, m r ओमेगा का स्क्वायर बाय mg। ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो मैंने बताया था कि 1 बाय cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी g डिवाइडेड बाई आर टाइम्स कॉस थीटा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू लास्ट टाइम आई थी जी डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा, और ओमेगा क्या है, टू पाई बाई कैपिटल टी। तो कैपिटल टी का फॉर्मूला आया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके, टू पाई, मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आया था, आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना, पढ़ के भी आए होंगे आप, ये पढ़ के आए थे, हाँ जी बोलो, साइन थीटा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, स्मॉल आर बाई बड़ा आर, ओके, राइट। पहला रूल क्लियर है यहां पे। अब एक काम करते हैं, हम इस फिगर को चेंज करते हैं। मैंने इसलिए रिवाइज करवाया क्योंकि आज का जो लेक्चर स्टार्ट है उसमें इसकी रिवीजन की जरूरत थी, इसकी एक्सटेंशन है, ठीक। तो सपोज करो मैंने फिगर चेंज की, आपको जो हैंड रिटन शीट दी थी मैंने उसका आखिरी पेज है, प्लीज पेज नंबर 4, ठीक ठीक है। तो पेज नंबर 4 ओपन करते हैं, देखो। तो इसके अंदर पेज नंबर 4 में सपोज आपके पास एक कोन है, फिगर जान के थोड़ी बड़ी बनाई है ताकि एंड में दिखे, आपके पास एक कोन है, राइट, और ये कोन अपने एक्सिस पे घूम रहा है, ये कोन है और कोन अपने एक्सिस पे घूम रहा है विद ओमेगा। क्लियर है यहां तक, डाउट इसमें? सपोज फिर से एक इंसेक्ट है, फिर से एक इंसेक्ट है, मान लो ये रहा वो इंसेक्ट और वो इसके सर्कल में घूमता जा रहा है कुछ इस तरीके से, जो इंसेक्ट है वो इस तरीके से सर्कल में घूमता जा रहा है, डाउट इसमें? इसका वेट कितना एक्ट करेगा, एमजी को, हेमिस्फीयर सेम केस है, राइट। इसका रेडियस कोन का कैपिटल आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, क्योंकि हम तो इसमें इंटरेस्टेड है स्मॉल आर में। नॉर्मल रिएक्शन कहां से पास करेगा, कोन के सेंटर से। कितने लोग एग्री करते हैं, सही बोला गलत बोला, गलत बोला, सारे गलत है, ऑब्वियसली। कोई कहता है इंसेक्ट तो यहां फंसा पड़ा है,
तो इसका नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू दी, कहाँ है ये, तो यहाँ जा रहे हैं, सेंटर ऊपर खड़ा है। कोई कहता है कि इंसेक्ट यहाँ पर है, ये रहा इसका नॉर्मल। कोई कहता है यहाँ पर है, तो ये इसका नॉर्मल। कोई कहता है यहाँ पर है, कहाँ है, सारे सेंटर पे जा रहे हैं वेक्टर, बिल्कुल भी नहीं जा रहे। हेमिस्फीयर में जा रहे थे क्योंकि हेमिस्फीयर सिमेट्री में है, आप जहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो सेंटर भी जाके मिलेगा। स्फीयर और हेमिस्फीयर में ये रूल वैलिड है और किसी फिगर में वैलिड नहीं है, तो ये गलत है कि सेंटर की तरफ नहीं जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक? तो जहां मर्जी जाए रहेगा सरफेस के परपेंडिकुलर। कोई डाउट इसमें? तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन जहां भी जाए हमें उसको मतलब नहीं है, चाहे सेंटर पे जाए या सेंटर पे ना जाए। ये लो, तो नॉर्मल रिएक्शन इज एन, राइट? तो एन नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है, अब इस केस में नॉर्मल रिएक्शन एन है, अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ऐसे, तो लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, मान लो ये एंगल कितना है, थीटा। ठीक है यहां तक? और अगर ये एंगल थीटा है तो उस केस में अगर मैं एक लाइन यहां ड्रॉ करता हूं, ये रहा एक्स एक्सिस की तरह, तो ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो बोलो इस ट्राइंगल में ये थीटा 90, ये कितना है 90 माइनस, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, तो मेरे ख्याल से फिगर क्लियर है जो बनी हुई है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। कोई डाउट इसमें? राइट? तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल में 90 थीटा, तो 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो एन नॉर्मल रिएक्शन का एक कॉम्पोनेंट कहां जाएगा, टूवर्ड्स सेंटर सी डैश, जिस सेंटर में ये घूम रहा है, और ये वैल्यू होगी क्या, एन कॉस थीटा, और ये क्या होगा, एन साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? ये तो बिल्कुल हेमिस्फीयर वाला केस बन गया। आप इस पर क्लियर है यहां तक? और इस क्वेश्चन में ना आपको ये भी गिवन होता है कि जो इंसेक्ट है ये एच हाइट पर अपना सर्कल घुमा रहा है, तो इसमें स्मॉल आर नहीं गिवन होता, इसमें एच गिवन होता है, तो कोई टेंशन नहीं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय एच, तो यहां से स्मॉल आर इज इक्वल टू एच इन टू टेन ऑफ थीटा, राइट? तो इक्वेशन क्या बनेगी, वर्टिकल फोर्स एन इन टू साइन थीटा इज इक्वल टू वेट एम जी, और ऐसी एन इन टू कॉस थीटा इज एक्टिंग टूवर्ड सेंटर एंड इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल, पार्टिकल को सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है, एन कॉस थीटा। ये तो वैसे ही हो गया जैसे बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स है, ये ट्रैक ऐसे था, ये ट्रैक ऐसे उठ गया, कार जा रही है, बैंकिंग का केस बन गया, बिल्कुल सेम है। या बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट हो गया, देखा जाए तो बात तो वहीं पर आ गई। तो इस केस में एन कॉस थीटा विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल। अब सेंट्रीपिटल में रेडियस कौन सा आएगा, जिस रेडियस में इंसेक्ट घूम रहा है, और इंसेक्ट किस रेडियस में साथ साथ घूम रहा है, स्मॉल आर। कोई डाउट इसमें? तो इस केस में स्मॉल आर तो गिवन नहीं होगा, इस स्मॉल आर को यहां पुट करेंगे, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम, स्मॉल आर की जगह पुट कर लेते हैं एच इन टू टेन थीटा इन टू ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर वन डिवाइडेड बाई टू, एन इन टू साइन थीटा बाय एन इन टू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी एम एच टेन थीटा ओमेगा का स्क्वायर। तो यहां से टेन थीटा इज एम से एम कैंसल, जी एच टेन थीटा ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर को इधर ले जाता हूं, टेन को इधर ले आता हूं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच टेन स्क्वायर थीटा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय एच टेन स्क्वायर थीटा। आपके असाइनमेंट में गलत लिखा हुआ है, मैथमेटिकल पोर्शन को प्लीज अपने हाथ से लिख लो, दिस इज द आंसर ऑफ ओमेगा, उसको क्रॉस कर लेना, कुछ गड़बड़ हुई है उसमें तो प्लीज ये करेक्ट आंसर है, असाइनमेंट के ऊपर लिख लेना। डिवीजन तक तो ठीक है, डिवाइड बाय वन एंड टू तो ठीक है, उसके तो आखिरी तीन लाइनें ठीक नहीं है।
ओके देखो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट के अंदर सपोज इसी असाइनमेंट का पार्ट है इसी असाइनमेंट का पार्ट है कि सपोज करो पेज नंबर 3 पे देयर इज अ सिलेंडर पेज नंबर 3 पे देखो सपोज देयर इज अ सिलेंडर प्लीज साइलेंस और वॉल्स में फ्रिक्शन है तो मान लो आपके पास अगर एक सिलेंडर है सच दैट इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस तो ये इसका एक्सिस है ओमेगा फ्रिक्शन प्रेजेंट है वॉल में आपको इसको गोल घुमाना है अगर कोई मैन यहां पे कहीं खड़ा है तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जब ये तेज 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 घूमेगा तो मैन पे क्या लगेगी सूडो फोर्स जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोला करते थे राइट क्योंकि सिलेंडर के पास सेंट्रिपिटल है तो जो मैन है उसको अवे फ्रॉम सेंटर फोर्स लगेगी मैन का मास एम है और कितनी फोर्स लगेगी एम इंटू ए राइट सूडो फोर्स यही थी सेंट्रीफ्यूगल और वो पीछे की तरफ चला जाएगा और दीवार पे चिपक जाएगा तो ये दीवार पे कितनी फोर्स लगा रहा है एम आर ओमेगा का स्क्वायर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर तो मैन और सिलेंडर का रेडियस ऑब्वियसली क्या रहेगा सेम रहेगा कोई डाउट इसमें एम आर ओमेगा स्क्वायर क्लियर है क्योंकि ये वॉल पे इतनी फोर्स लगा रहा है तो वॉल बदले में इसके ऊपर क्या लगाएगी रिएक्शन तो वॉल की तरफ से नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी पे क्या लगेगा एन विच इज इक्वल टू एम आर ओमेगा का कोई डाउट इसमें तो इसने वॉल पे फोर्स लगाई तो वॉल ने इसके ऊपर फोर्स लगाई कोई डाउट इसमें ठीक क्वेश्चन ये है कि बताओ कम से कम मिनिमम ओमेगा क्या हो कि जिससे कि ये ड्रम घूमना स्टार्ट हो जाए कि अगर मैं इसकी जमीन से इसकी जो फ्लोर है इसको हटा दूं ये हवा घूम रहा था कहीं पर फ्लोर पे था अभी फ्लोर हटा दूं ये मैन चिपका हुआ मिले और नीचे ना गिरे मैन तो मैन पे सूडो फोर्स लग रही है ना तो मैन ऐसे ही रहे चाहे फ्लोर नीचे से हट जाए और अगर आपने स्लो किया तो ये नीचे गिर जाएगा तो कम से कम ओमेगा क्या होगा आप कहोगे सर ओमेगा जीरो कर दो तो मैन नीचे गिर जाएगा सूडो फोर्स लगनी बंद हो जाएगी आप कहोगे बहुत तेज कर दो बहुत बहुत तेज तो बहुत तेज में तो कोई आंसर नहीं आएगा फिक्स कम से कम ओमेगा बताओ कि अगर आपने उससे कम किया तो मैन नीचे गिर जाएगा उससे ज्यादा किया फिर नहीं मैन नीचे गिरेगा तो सबसे पहली चीज मैन अगर फ्लोर हटता है मैन के नीचे फोर्स कितनी है राइट एमजी तो मैन के ऊपर फोर्स एमजी इसको नीचे गिरने की कोशिश करेगी कौन बचाएगा वॉल की ना वॉल की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिएक्शन तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां ऐड करनी चाहिए देखो ऑब्वियस है कि एमजी के ऑपोजिट ही फोर्स उसको बचा पाएगी नहीं तो ये बच नहीं पाएगा तो अगर इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ वेट के इक्वल या वेट से बड़ी हो तो उस केस में क्या होगा ये नहीं नीचे गिरेगा कोई डाउट इसमें तो अगर ये वाली वैल्यू इससे बड़ी हो जाए या इक्वल टू हो जाए तो नीचे नहीं गिरेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन एम जी म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इस केस में कितना है एम इंटू कितना आर इंटू ओमेगा का ग्रेटर देन कितना mg m से m cancel तो omega square greater than equal to g divided by mu times r right तो यहां से omega की value क्या जाएगी omega is equal to under root of g divided by mu into r तो omega इससे बड़ा या कम से कम इसके equal हो कम से कम इसके equal तो हो ना तो अगर omega इसके equal होगा कम से कम तो ये नीचे नहीं गिरेगा तो हाउ टू कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा समझ में आ रहा है ठीक तो कम से कम ओमेगा की इतनी वैल्यू होनी ही चाहिए इसे तेज होगी कोई टेंशन नहीं अगर कम हो गई तो नीचे गिर जाएगा ठीक है यहां तक कोई डाउट इस केस में किसी को ठीक है ठीक नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आएगा
वो क्वेश्चन आएगा जैसे इसी पेज नंबर 3 पे मेंशनड है, जिसमें ना कॉइन कॉइन के ऊपर गिवन है, चेक करो। देखो इस केस में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सपोज ये आपके पास एक डिस्क है, डिस्क रोटेट कर रही है विद ओमेगा, एंड ऑब्वियसली ओमेगा इज अ कांस्टेंट, जब तक बोलूंगा नहीं ओमेगा चेंज करना है नहीं करना, ओमेगा इज अ कांस्टेंट। सपोज कर लेते हैं यहां पर ये जो डिस्क है इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और यहां पर एक क्वाइन पड़ा हुआ था 3 सेंटीमीटर का, क्वाइन पड़ा हुआ है 3 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर का की डिस्क है और 3 सेंटीमीटर पे एक क्वाइन पड़ा हुआ है, क्वाइन और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू 0.5, राइट। उसमें वेरिएबल में गिवन है, शीट में मैं न्यूमेरिकल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं, राइट। मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, नीचे क्वेश्चन ये है कि अगर ये ओमेगा इज इक्वल टू 10, इसके यूनिट्स क्या होंगे बोलो, क्यों होंगे रेडियंस, क्योंकि ओमेगा क्या होता है डी, बिल्कुल ठीक। तो ये किसमें होता है रेडियन और ये क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड की जगह इसमें रेडियन पर सेकंड चलता है, ये भी क्लियर है यहां तक। तो इस केस में अगर ओमेगा की वैल्यू कॉन्स्टेंट के गिवन है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये क्वाइन पीछे फिसलेगा या यहीं पर पड़ा रहेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है क्या ये क्वाइन राइट की तरफ चला जाएगा या क्वाइन यहीं पर रहेगा। देखो दो ही चीजें हैं, या तो टिका रहेगा और घूमना स्टार्ट कर देगा, नहीं जाएगा बाहर, या फिर बाहर चला जाएगा। कैसे चेक करें कौन इसे बाहर फेंकेगा, सेंट्रीफ्यूगल कितने लोग बोलते हैं, क्योंकि सेंट्रीपेटल तो सर्कल में घुमाएगा, और हमने डिस्कस किया था कि अगर एक सिलेंडर के ऊपर, सिलेंडर के पास सेंट्रीपेटल है, सिलेंडर के अंदर जो भी मैन या जो भी मास पड़ा हुआ है वो बाहर की तरफ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर क्या लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। तो इस केस में क्वाइन को बाहर की तरफ कौन भेजेगा, सेंट्री, तो सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू यहां पे ये रही कितनी, मास मान लो इसका m है, m इनटू 3, 3 का मतलब यहां पर 0.03 मीटर इनटू ओमेगा का, कोई डाउट इसमें। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहती है कि ये क्वाइन बाहर जाए, कौन बचाएगा, फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कहां ऐड करनी चाहिए, टुवर्ड्स सेंटर। तो अगर फ्रिक्शन कहां एक्ट करे, टुवर्ड्स सेंटर, और विद अ कंडीशन कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ किससे बड़ी हो जाए, सेंट्रीफ्यूगल से, सेंट्रीफ्यूगल कितनी है 0.03 इनटू ओमेगा। देखो या तो ये बड़ी होगी या ये बड़ी होगी, दोनों इक्वल होंगे और तो कोई केस नहीं। अगर तो सेंट्रीफ्यूगल बड़ी हो गई बाहर, तो क्वाइन तो समझो बाहर गया, अगर फ्रिक्शन बड़ी हो गई फिर क्वाइन साथ साथ घूमता रहेगा, और अगर इक्वल होगी तो भी क्वाइन साथ साथ ही घूमता रहेगा, लिमिटिंग केस है। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो हम जब तक सॉल्व नहीं करेंगे बता नहीं पाएंगे कि क्वाइन राइट जाएगा या लेफ्ट रहेगा। तो एक काम करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू टाइम्स एम जी, 0.03 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। इनके कंपेरिजन में मास को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मास को दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, तो दोनों फैक्टर उतने वैल्यू से इंक्रीज हो जाएंगे। तो हटा देते हैं, म्यू की वैल्यू 0.5 और जी कितना है 10, तो कितनी फोर्स आ गई फ्रिक्शन की 5। इसे करेंगे 0.03, ओमेगा कितना है 10 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, तो कौन बड़ा, फ्रिक्शन, ये क्वाइन बाहर नहीं गिरेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जब आप इसमें एम आर ओमेगा स्क्वायर लेते हो तो रेडियस में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कई लोग डिस्क का रेडियस ले लेंगे, नहीं, जो एक्चुअल बॉडी, चाहे इंसेक्ट जितने भी रेडियस में घूम रहा है, क्वाइन एक्चुअल जितने भी रेडियस में घूम रहा है, तो उतनी ही वैल्यू लेनी है रेडियस की, आपने डिस्क से लेना देना नहीं कि डिस्क कितनी बड़ी है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए ये अपने 3 सेंटीमीटर के रेडियस में घूम रहा है, तो आपने 3 के साथ ही कैलकुलेशन करनी है, 5 के साथ नहीं करनी। जैसे इंसेक्ट वाला केस था, इंसेक्ट अपने छोटे सर्कल में घूम रहा है, आपने हेमिस्फीयर का रेडियस नहीं लेना है, एमआर स्क्वायर में आपने इंसेक्ट का अपना रेडियस लेना है। क्या ये रूल क्लियर है यहां तक,
डिस्क पे सेंट्रीपिटल है, उसके ऊपर जो भी चीज पड़ी है सेंट्रीफ्यूगल है। डिस्क पे सेंट्रीपिटल किसने लगाई, क्या पता मैंने लगाई, नीचे जाके डिस्क को घुमाना शुरू कर दिया, क्या पता मशीन ने लगाई, जैसे भी लगाई वो हमारी हेडेक नहीं है। हमें गिवन है डिस्क घूम रही है, और अगर डिस्क घूम रही है तो सेंट्रीपिटल है। सेंट्रीफ्यूगल तो हो नहीं सकती ना, डिस्क तो घूम ही रही है, डिस्क कौन सा बाहर की तरफ गिर रही है, एक बॉडी तो घूमेगी ना, अगर बॉडी घूम रही है तो सेंट्रीपिटल है, उसके ऊपर जो चीज रखेंगे वो सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक, कोई क्वेश्चन इसमें? आपके पास क्वेश्चन नहीं तो मैं पूछता हूं। दूसरे बैच में एक स्टूडेंट ने पूछा था, हेमिस्फेयर है, कोन है, उस टाइम का क्वेश्चन है जो अभी पिछले दो एग्जांपल करवाए आपने, पूछा नहीं मैंने, चलो का कोई बात नहीं। इंसेक्ट ऊपर आया कैसे, क्वेश्चन पूछा था कि ये एक हेमिस्फेयर है, वो कहता है यार इंसेक्ट तो नीचे पड़ा था, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो फिसल के नीचे क्यों नहीं आ रहा, ऐसे कैसे ऊपर और ज्यादा ऊपर क्यों नहीं जा रहा, यहीं पे क्यों फिक्स है और ऐसे घूमता जा रहा है क्यों भाई, अगर मैं इसको घुमाना बंद कर दूंगा तो इंसेक्ट कहां आएगा, नीचे आएगा। कितने लोग बोलते हैं नीचे आ जाएगा, हाँ फ्रिक्शन नहीं है, फिसल क्या है, तो फिर अब ऊपर कैसे है। अच्छा एक मिनट, कितने लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, अच्छा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रही है जिसको ऊपर लेके जा रही है, ओके ठीक है आंसर। ये कह रहा है कि हेमिस्फेयर घूम रहा है, हेमिस्फेयर के पास सेंट्रिपिटल, अंदर जितना भी सामान है उसके ऊपर, बिल्कुल ठीक। तो मेरे ख्याल से आप भी एग्री करते होंगे कि अगर ये इस तरीके से घूम रहे तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लगेगी, सही है। अब सरफेस टेढ़ी है तो मैंने बताया वो ऊपर को चढ़ेगा थोड़ा सा, तो एक्चुअल में क्या होगा कि इसका एक कॉम्पोनेंट, देखो एम ए का एक दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो एमए का जो भी एक कंपोनेंट होगा, मान लो एंगल थीटा है जो भी है, वो जो कंपोनेंट होगा वो इसे इस सरफेस के साथ ऊपर ले आएगा। हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, ये हमारा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है इसमें, हमारा क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व, मैं जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि एमए तो राइट लग रहा है लेकिन बॉडी, मान लो एमए मैं यहां नहीं बनाता, मैं यहां बनाता हूं, पहले इंसेक्ट कहां था, नीचे था, अब या बिल्कुल मान लो बिल्कुल यहां पे था, अगर इंसेक्ट यहां पर था मुझे कोई बताएगा क्या ये सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अगर ये इंसेक्ट यहां पर है एक्सिस के ऊपर बैठा हुआ है क्या ये सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्यों भाई क्यों नहीं करेगा। अच्छा ड्रम है, ड्रम पे मैन खड़ा था ना, ड्रम ये रहा, ऐसे था ना, ये एक्सिस है, अगर ड्रम पे मैन यहां खड़ा होगा क्या ये सूडो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्यों अभी तो सेंटर के अंदर है वो, क्यों नहीं करेगा, कितने लोग बोलते हैं कि नहीं करेगा, ओके आंसर आ गया R0 होगा, सही कह रहे हैं। सूडो फोर्स होती क्या है, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एम इनटू आर इनटू मैन, तो एक्सिस पे जाके बैठे, एक्सिस पे आर क्या हो जाएगा, तो एक ही तरीके से बचा जा सकता है, अगर आप कहीं गलती से सिलेंडर में फंस गए और आपको पता है कि आप चिपके जाओगे इधर, तो आप बस आराम किसी भी तरीके से उस सिलेंडर के एक्सिस पे खड़े हो जाओ, क्योंकि एक्सिस पे आपका डिस्टेंस एक्सिस से जीरो हो गया तो आपके ऊपर सूडो फोर्स लगनी बंद हो जाएगी, आप खुद एक्सिस पे बैठे हो, जरा पीछे हुए अब सूडो फोर्स लगेगी, आप पीछे आ जाओगे, तो आपकी देखो आप कैसे करेंगे, बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो इसलिए एक्सिस के ऊपर होंगे तो सूडो फोर्स एक्ट नहीं करेगी, करने की कोशिश तो करेगी पर रेडियस ही नहीं होगा, कर नहीं पाएगी। उसी तरीके से जब वो पार्टिकल थोड़ा दूर होगा, यहां पे होगा, तब तो करेगी, लेकिन वो तो सीधी कर रही है, मेरा इंसेक्ट तो ऊपर चढ़ गया, ऊपर इसलिए चढ़ा क्योंकि एमए का एक कंपोनेंट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ एक्ट करता जाएगा जो इसको यहां ले आएगा। हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉलेज से एक बता रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ। और अगर आप बहुत तेज घुमा दोगे हेमिस्फीयर को तो ए ऑफ सी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका कंपोनेंट और बढ़ जाएगा या और ऊपर चढ़ जाएगा, आप और तेज करोगे ये और ऊपर आ जाएगा, आप और तेज करोगे हो सकता है ये बाहर, एक इसके बाहर ही आ गया। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे ये इंसेक्ट ऊपर आया, जरूरत नहीं है पर फिर भी बता दिया मैंने, न्यूमेरिकल में जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। ठीक है यहां तक। अच्छा नेक्स्ट जो टॉपिक है या नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप सिर्फ
मेरा आंसर देना नेक्स्ट क्वेश्चन का, राइट? क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, पहले बताऊंगा कि कैसे करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी। अगर सपोज करो कोई भी बॉडी किसमें घूमती है ना, सर्कल घूमती है, मान लो स्टोन है, पत्थर है, स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ है और आप इसे सर्कल में घुमा रहे हैं, रेडियस इसका कितना है? आर है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि पत्थर को घुमाने के लिए मैं फोर्स लगाऊंगा, मेरी फोर्स लगाने से टेंशन जनरेट हो जाएगी पत्थर में, स्ट्रिंग में, और टेंशन कैसे होती है? इक्वल एंड ऑपोजिट, ऐसे होती है। तो मैंने बताया था कि इस मास के फ्री बॉडी डायग्राम को देखो, तो इसको कौन सी फोर्स मिल रही है? टी, जो कहां एक्ट कर रही है? टूवर्ड्स, तो टी मस्ट प्रोवाइड एम आर ओमेगा का, राइट? तो टेंशन है टी, वो कहां एक्ट कर रही है? टूवर्ड्स सेंटर, और क्या प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रिपेटल। कोई डाउट इसमें? अच्छा, किसी किसी न्यूमेरिकल में ऐसा हो जाता है कि ये सेम पत्थर है एम और लेट अस सपोज ये रोटेटिंग विद ओमेगा, ठीक, और किसी क्वेश्चन में ओमेगा देने की बजाय वो आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी दे देते हैं वी, जिसको स्पीड बोलते हैं, और इसका रेडियस कितना है? आर। तो अगेन रूल वही रहेगा, टेंशन, तो इसमें टेंशन इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर एंड इज प्रोवाइडिंग, ठीक है, देने वाले पे है। अगर ओमेगा देता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, अगर वी देता है तो एम वी स्क्वायर बाय आर। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? ओके, राइट। तो मैं क्वेश्चन दूं आपको करने के लिए, एक ये समझ में आ गया, और याद रहे इसमें स्टोन कैसे घूम रहा है, इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, ऐसे, राइट? ऐसे नहीं, वर्टिकल सर्कल अगली बार करना है हमने, आज हम ये कर रहे हैं बस, करें स्टार्ट। तो इसका आंसर दो, सपोज आपके पास एक स्टोन है, स्टोन का मास है एम, स्टोन 1 मीटर रेडियस में घूम रहा है, राइट? इस स्टोन के साथ एक और स्टोन है और ये लेंथ भी 1 मीटर है और ये भी सर्कल में घूम रहा है, दो स्ट्रिंग्स हैं, दोनों इकट्ठे सर्कल में घूम रही है, ठीक, इसके साथ एक और रस्सी है, ये मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, 1 मीटर 1 मीटर, तो अगर इसमें टेंशन T1 है तो नेक्स्ट स्ट्रिंग में T2 है, तो मैं बना देता हूं, मान लो ये T1 है, मान लो ये T1 है, T1 मेरे हाथ और मास के बीच में, और यहां पर क्या बनेगा? T2 एंड T2, फाइंड रेशियो ऑफ T1 एंड T2, सेम है एम एंड एम,
देखो पहले ना एक चीज का फैसला करते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और इसको बहुत ध्यान से आंसर देना। ये दोनों पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं, राइट? ठीक, घूम रहे हैं सर्कल में और ओमेगा की वैल्यू इन दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम है, राइट? इस मास के पास सेंट्रीपिटल है कि सेंट्रीफ्यूगल है? कितने लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल है, कितने लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल है, और कितने लोग बोलते हैं दोनों है? यार तो दोनों तो मत बोलो, क्योंकि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक बॉडी पे कैसे एक्ट कर सकती है यार। सिलेंडर के पास सेंट्रीपिटल है, अंदर सामान के पास सेंट्रीफ्यूगल है, सिलेंडर के पास सेंट्रीफ्यूगल है, सिलेंडर के पास सेंट्रीपिटल है, ये तो कोई बात नहीं बनी। मैंने लास्ट टाइम बताया था सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करती है, सेम नहीं करती। तो अभी तक मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि मास एम के पास सेंट्रीपिटल है कि सेंट्रीफ्यूगल है, कितने लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल है? ओके, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब आप ये लोग ये बोल रहे हैं कि इसके ऊपर सूडो फोर्स लग रही है। ओके, तो बताओ फिर सेंट्रीपिटल किस पे लग रही है? बाहर वाले पे। मतलब मैं ये समझूं, बाहर वाली बॉडी एक डिस्क की तरह, राइट, डिस्क की तरह, और अंदर वाली बॉडी पे सूडो फोर्स लग रही है। कोई बात जमी नहीं? नहीं जमी नहीं, वो कह रहे हैं बात, तो वो कह रहे उल्टा क्यों नहीं बोला, वो मन में ये सोच रहे हैं यार ऐसे क्यों बोल दिया, अंदर होता है। अच्छा, और कोई एक्सप्लेनेशन प्लीज? अंदर वाले मास पे सेंट्रीपिटल है कि सेंट्रीफ्यूगल है? सेंट्रीपिटल वाले कितने हैं? अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल वाले कितने हैं? ओके, बाकी को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, दोनों वाले कितने हैं? दोनों वाले भी, तो दोनों रूल आउट कर दिया मैंने। चलो मैं फिर क्वेश्चन पूछता हूं, ये वाले मास के ऊपर सेंट्रीपिटल है कि सेंट्रीफ्यूगल है? कितने लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल है, कितने लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल है? ओ, ये तो फैसला करना मुश्किल है। ओके, देखो एक बात को तो समझ लो, एक मिनट के लिए एक बात को समझ लो। अगर मेरी कार, जस्ट इसको छोड़ो, अगर मैं कार एक्सेलरेट ही नहीं करता, अगर मैं कार को एक्सेलरेट नहीं करता तो अंदर पड़े हुए सामान पे सूडो फोर्स नहीं लग सकती। यार एक फ्रेम तो लेके आओ, गाड़ी तो रखो, बैग इसमें रखूंगा, कार तो लेके नहीं आया और कह रहे हो सूडो फोर्स लग रही है। पॉइंट समझ में आया? तो इसीलिए एक बॉडी पे तो सेंट्रीपिटल लगनी जरूरी है, उसके साथ जो अटैच्ड जो भी चीजें होंगी, वो जो जो बॉडी जिसपे सेंट्रीपिटल है वो किसमें घूमेगी ना, सर्कल, वो सर्कल में घूमेगी, और जो उसके ऊपर चीजें पड़ी होंगी उनके ऊपर क्या लगेंगी, सेंट्रीफ्यूगल। ये बात समझ में आती है? ड्रम पे सेंट्रीपिटल है और अंदर जो चीज पड़ी हुई है उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल है। ये तो नहीं होता कि बैग के ऊपर सेंट्रीपिटल है और ड्रम के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल है, नहीं ऐसा नहीं होता, राइट? ये बात समझ में आ रही है? तो मैं इस बात को ऐसे समझाता हूं कि सपोज करो, ये मास के साथ समझना थोड़ा सा मुश्किल है। सोचो एक मिनट के लिए, ये एक मंकी है, मंकी है, मंकी को मैंने हाथों से पकड़ा और उसको जोर की घुमाना शुरू कर दिया, कोई डाउट इसमें? ठीक है, घुमाता जा रहा हूं, विद कॉन्स्टेंट ओमेगा, राइट? ठीक, बताओ मंकी के हाथों में और मेरे हाथों में क्या आ गई? टेंशन, खिंच गए, टेंशन। वो टेंशन मंकी स्टोन की तरह काम कर रहा है और मेरे हाथ, मेरे हाथ स्ट्रिंग की तरह, तो मेरे हाथों में जो टेंशन है वो मंकी को क्या प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रीपिटल, राइट? अब कोई स्टूडेंट कहता कि सर ये चीज मुझे समझ में आई नहीं, मैंने पूछा क्यों, कहता सर देखो आप घूम रहे थे, मैं ऐसे सोचता हूं कि आपके पास है सेंट्रीपिटल, मंकी तो आपने जबरदस्ती पकड़ा हुआ है क्योंकि मंकी के ऊपर तो लग रही है सेंट्रीफ्यूगल, मंकी तो चाहता है कि वो बाहर चला जाए, वो तो आपने इसको पकड़ के रखा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर तो है सेंट्रीपिटल पर मंकी के ऊपर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल। कितने लोग एग्री करते हैं सेकंड एक्सप्लेनेशन ज्यादा बेटर लग रही है, और कितने लोग ये मानते हैं कि मैं और मंकी तो एक ही पार्ट है और हम दोनों घूम रहे थे तो हम दोनों के पास सेंट्रीपिटल, कोई नहीं मानता। अच्छा चलो, कहानी में और ट्विस्ट है, मंकी की जो टेल है वो हवा में लटक रही थी, ये रही, और एक और मंकी ने उसको पकड़ लिया, अब दो मंकी
एक मंकी मेरे हाथ में और दूसरा मंकी उसके पीछे लटक के घूम रहा है। अब मुझे कोई ये बताए, जो सबसे आखिरी मंकी जो हवा में उड़ रहा है, कितने लोग मानते हैं कि वो तो सर्कल में घूम रहा है तो उसके पास तो है सेंट्रिपिटल, और कितने लोग कहते हैं नहीं इस मंकी के पास थी सेंट्रिपिटल और इसने इसको पकड़ा हुआ है, ये तो बाहर जाने की कोशिश करेगा तो इसके ऊपर एक्ट करेगी सेंट्रीफ्यूगल। ओके, अब अगर मैं दोनों आंसर्स को जोड़ दूं तो आपने आंसर मुझे ये दिया कि इसके ऊपर भी सेंट्रीफ्यूगल, इसके ऊपर भी सेंट्रीफ्यूगल, और असली सेंट्रीपिटल तो मेरे ऊपर है क्योंकि मैंने चीज को घुमाया। कितने लोग एग्री करते हैं एंड में ये सही लग रहा है? अच्छा ठीक, मेरे को हटा दो, ये रो मेन्यू यहां पे सेंटर है, पता नहीं कैसे घुमा ये, तो अब ये घूम रहा है। कितने लोग इससे भी एग्री करते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता था कि इसके ऊपर बोल देते सेंट्रीपिटल क्योंकि सर्कल में घूम रहा है और इसकी टेल इसने पकड़ी हुई है, इसको बोल देते सेंट्रीफ्यूगल, ऐसे बोल देते। ओके, अब ध्यान से समझो, आपकी सारी एक्सप्लेनेशन एकदम सही है, ये आपका देखने का नजरिया फ्रेम डिपेंड करता है, आप कैसे आंसर दे रहे हो। आप अपने बेंच पे बैठो आराम से, आपको घूमने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे देखो दो मंकी घूम रहे हैं, आप कहोगे दो मंकी घूम रहे हैं और दो मंकी घूम रहे हैं दोनों के पास सेंट्रिपिटल, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है क्योंकि मंकी घूम रहे हैं सर्कल में। आपने कहा दुनिया में कोई भी बॉडी सर्कल में घूमेगी तो उस पर क्या लगेगी? सेंट्रिपिटल, सही है। किसी ने कहा सर नहीं, मैं अपने नजरिए से नहीं देखना चाहता, मैं तो इस मंकी के नजरिए से देखना चाहता हूं कि हो क्या है, तो ठीक है वो इस मंकी को लेके आंसर देगा। वो कहेगा देखो ये मंकी घूम रहा है सर्कल में तो इसके पास है सेंट्रिपिटल, लेकिन ये मंकी विद रिस्पेक्ट टू ये जबरदस्ती पकड़ा हुआ है क्योंकि इसको तो, क्योंकि ये अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो इस पे क्या लग रही है? सूडो फोर्स, तो इसके ऊपर क्या लगेगी? सेंट्रिफ्यूगल, सही है। तो ऐसा भी आंसर, आप ये आपकी मर्जी है, आप ये बोलना चाहते हो कि मैं तो अपने फ्रेम रेस्ट के फ्रेम में बैठा हूं और मैं ग्राउंड के फ्रेम से आंसर देना चाहता हूं, तो ग्राउंड का फ्रेम ये बोलता है दोनों मंकी सर्कल में घूम रहे हैं, राइट? तो सेंट्रिपिटल है, तो दोनों आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगर आप इसके फ्रेम में काम करना चाहते हो कि ये मंकी तो जो है सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रिपिटल, इस मंकी से जब पूछा गया कि इसके ऊपर क्या लग रहा है, देखो अब आपने जवाब नहीं देना, इससे पूछना है, तो ये कहेगा देखो मेरे पास तो सेंट्रिपिटल थी, मेरे को तो ये घुमा रहा है, लेकिन मेरे साथ जो भी सामान अटैच है उस पे सूडो फोर्स ही लगनी है, तो बाकी सामान के ऊपर क्या लगेगी? सेंट्रिफ्यूगल। लेकिन ये जवाब कौन देगा? ये मंकी देगा। आप क्या जवाब दोगे? आप तो घूम नहीं रहे ना, तो आप जवाब दोगे दोनों के ऊपर क्या कर रही है? सेंट्रिपिटल। यानी कि ये तो फ्रेम पे डिपेंड करता है, आप अपना आंसर सेंट्रिपिटल से करो या अपना आंसर सेंट्रिफ्यूगल से करो। और मजे की बात है क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का फॉर्मूला एब्सोल्युटली, या आपकी तसल्ली है कि आपने चीज को कैसे देख लिया, आपकी मर्जी है। बट पॉइंट समझ में आया मेरा? मेरी तो ड्यूटी बनती है ना, मैं बताऊं कि दो कैसे मर्जी देख लो क्या फर्क पड़ता है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या डिफरेंस है? कोई डाउट इसमें? तो अब सपोज करो अगर हम थोड़ा न्यूमेरिकली इसे डिस्कस कर लें, तो न्यूमेरिकली ये आपके पास फर्स्ट पार्टिकल है एम, इसका रेडियस 1 मीटर है और टेंशन T1 है, बड़ी फिगर बना रहा हूं मैं, एंड इज रोटेटिंग विद ओमेगा। उसी तरीके से एक और स्ट्रिंग है ये री, यहां से लेके यहां तक एम अगेन 1 मीटर एंड 1 मीटर, जिसमें टेंशन कितनी मैंने ड्रॉ की? T2 एंड T2, राइट? अब एक काम करते हैं, थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम पे जाते हैं। अगर आप एम का सिर्फ एम का राइट मोस्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि इसके ऊपर आपको इमीडिएट लेफ्ट या राइट या ऊपर या नीचे कौन सी फोर्स नजर आ रही है? बस T2, ठीक है? फ्री बॉडी डायग्राम में बस T2, और तो कुछ नजर आ रहा, राइट? तो इस केस में अगर आपको T2 नजर आ रहा है तो ये लो, ये एम मास है, यहां पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? T2। अगर आप ग्राउंड के फ्रेम में काम करते हैं अर्थ में बैठ के, तो आप क्या कहेंगे कि ये मास के ऊपर क्या लग रही है? सेंट्रिपिटल की सेंट्रीफ्यूगल। ग्राउंड पे बैठ के आपको लगेगा दोनों मासे सर्कल में घूम रहे हैं और जो मास सर्कल में घूम रहा है उसके ऊपर क्या लगती है? सेंट्रिपिटल। आप कहेंगे इसका सेंटर कहीं यहां पर है एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना? 2 मीटर।
तो इसमें लगेगी सेंट्रीपिटल, और कोई पूछेगा कौन प्रोवाइड कर रहे हैं सेंट्रीपिटल, आप क्या बोलेंगे T2, और कितनी मास रेडियस 2, देखो रेडियस 1 नहीं, सेंटर के साथ इसका डिस्टेंस कितना है 2 एम आर ओमेगा का स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें, राइट? अच्छा चलो मान लिया एक मिनट के लिए, किसी को ऐसे पसंद नहीं है कि ये ग्राउंड के फ्रेम में काम करे, वो ये कहता है फिर से सेम क्वेश्चन, फिर से सेम मास है एम, सेम मास, उसने कहा कि सर देखो मैं इस मंकी के रिस्पेक्ट टू काम करूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मंकी से जवाब पूछा जाए तो मंकी के पास सेंट्रिपिटल है, लेकिन इसके साथ जो भी चीजें अटैच है उसके पास सेंट्रीफ्यूगल है, और सेंट्रीफ्यूगल कहां करती है अवे फ्रॉम, तो वो कहेगा कि देखो इसके ऊपर फोर्स लग रही है एम इंटू आर इंटू ओमेगा का वैल्यू सेम ही है। तो मैंने पूछा कि फिर ये बाहर क्यों नहीं जा रहा, वो कह रहा क्योंकि इसने रस्सी को पूंछ को पकड़ा हुआ है, इसके टेल को पकड़ा हुआ है, टेल में टेंशन है, तो यानी कि इक्विलिब्रियम में है, उसने कहा इक्विलिब्रियम में है, तो T2 इज इक्वल टू एम इंटू 2 इंटू ओमेगा का, आप कैसे मर्जी कर लो आंसर, तो ये तो मजे की बात है सर्कुलर में, जैसे मर्जी करो आंसर, इक्वेशन सेम बननी है, पर समझने का तरीका समझ में आ रहा है कि अगर आप ये बोलते हो सेंट्रीपिटल तो आप कहोगे T2 ही सेंट्रीपिटल है इक्वल, अगर आप ये बोलते हो सेंट्रीफ्यूगल तो फिर T2 सेंट्रीपिटल नहीं है, फिर कहोगे T2 ने सेंट्रीफ्यूगल को क्या कर लिया, बैलेंस कर दिया आंसर, राइट? तो जैसे मर्जी कर लो, कौन सा वाला सही लगता है आपको, ये 1 की 2, कितनों को 1 ठीक है, ये सेंट्रीपिटल ठीक है, ग्राउंड में बैठ के काम करना चाहते हैं, कितनों को सेंट्रीफ्यूगल ठीक है, ओके ठीक है, जैसे दोनों का आंसर सही है, वैसे ग्राउंड का फ्रेम ज्यादा ठीक है, ग्राउंड पे बैठ के काम करो, दोनों आपको बॉडी सर्कल में नजर आएंगी तो आप सेंट्रीपिटल बोल दो, लेकिन मैथमेटिकली क्वेश्चन समझ में आ रही है, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, पूछेगा क्या इक्वेशन बनाओ, इसकी इक्वेशन बना लोगे। अब एक काम करते हैं, ये वाला मास, पहले वाला मास कितने रेडियस में घूम रहा है 1 मीटर, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस तरफ कौन सी फोर्स है इसकी एम टी, और इस तरफ ये देखो फ्री बॉडी डायग्राम देखें, ये रहा एम के लेफ्ट की तरफ T1, एम के राइट की तरफ T2, दो टेंशन हैं। अच्छा ये बताओ ये कैसे घूम रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, तो इसके पास कौन सी फोर्स होनी जरूरी है सेंट्रीपिटल, कोई भी बॉडी अगर दुनिया में सर्कल में घूमेगी उसके पास सेंट्रीपिटल पक्का होगी, और सेंट्रीपिटल कहाँ एक्ट करती है टुवर्ड्स, मुझे एक चीज बताओ कि यहां कौन सी फोर्स टुवर्ड्स सेंटर एक्ट कर रही है T1, और T2 इसके ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स कहां होनी चाहिए टुवर्ड्स सेंटर, देखो इसमें T1 और T2 इक्वल जो है, T1 T2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसकी नेट फोर्स मुझे पता है कि कहां आनी चाहिए टुवर्ड्स सेंटर, और वो तभी आएगी व्हेन T1 इज ग्रेटर देन, तो नेट फोर्स यहां आ गई, और जो क्या प्रोवाइड कर रही है एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो यहां पर यही नेट फोर्स विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एम इंटू 1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। इक्वेशन समझ में आई कि ये बॉडी जो है सर्कल में घूम रही है, इसके पास कौन सी फोर्स होनी जरूरी है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल कहां एक्ट करती है टुवर्ड्स सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स है T1, पर ऑपोजिंग फोर्स कौन सी है T2, तो नेट फोर्स क्या होगी T1 - T2। जैसे अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, मान लो सेंटर की तरफ फोर्स कितनी है 10, तो 10 विल एक्ट लाइक सेंट्रीपिटल एम आर ओमेगा स्क्वायर, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि साइमल्टेनियसली मैं 2 न्यूटन पीछे भी लगा रहा हूं तो नेट फोर्स कहां आएगी 8, कहां टुवर्ड्स सेंटर, समझ में आया स्टेप, तो 10 में से फिर 2 चला जाएगा तो नेट सेंट्रीपिटल कितनी हो जाएगी सिर्फ 8, तो वही किया मैंने, T1 अंदर है T2 अपोज कर रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगी T1 - T2 टुवर्ड सेंटर, राइट? तो यहां से इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर लेते हैं, T1 - T2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू M1 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई M2 ओमेगा स्क्वायर, कैंसल, तो यहां से T1 डिवाइडेड बाई T2 - 1, क्योंकि T2 - T2 क्या होता है 1, इज इक्वल टू 1/2, तो T1 - T2 की सॉल्व करके वैल्यू क्या आएगी 3/2। मेथड समझ में आया, रचित।
इसमें ये समझाया कि मान लो एक बॉडी सर्कल में घूम रही है, राइट। तो सर्कल में घूमने के लिए क्या फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल। मान लो कितनी है? 10 न्यूटन। आर रेडियस में घूम रही है तो हम क्या लिखेंगे? 10 इज एम आर ओमेगा का स्क्वायर। केस क्लोज। पर अगर कोई इसके साथ साथ एक और फोर्स लगाए 2 न्यूटन इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ 10, तो न्यूटन का लॉ बोलता है कि 10 इधर फोर्स है, 2 इधर, तो नेट फोर्स कितनी बच गई इसमें? 8। ये कट गई ना, तो नेट फोर्स अब नई फोर्स कितनी? अब 8 विल बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब कम हो गई ना सेंट्रीपिटल। तो वैसे मैं बोल रहा हूं कि इधर एक्ट कर रही है T1, अगर ये अकेली T1 होती तो T1 इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, पर पीछे क्या एड कर रही है? T2, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और T2 माइनस T1 कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स कहां एड करनी चाहिए? टूवर्ड्स सेंटर, और सेंटर की नेट फोर्स तभी एड करेगी जब ये इससे बड़ा होगा। T1 शुड बी ग्रेटर देन T2, इसीलिए T1 में से T2 माइनस किया, T2 में से T1 माइनस नहीं किया मैंने। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। अब जैसे ये वाला मास था, इसमें तो सेंटर की तरफ फोर्स थी T2, पीछे से कोई फोर्स नहीं, तो सीधे लिख दिया T2 इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, कोई डाउट इसमें? ओके,
ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना, राइट बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रोटेशनल मोशन का बेस बनने वाला है। इस चैप्टर में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रोटेशनल जब आएगा उस टाइम जब रिवीज उस टाइम सेम कॉन्सेप्ट रिवीजन के तौर पे काम करेगा। अभी हो जाएगा, रोटेशन में फिर से हो जाएगा, दो बार हो जाएगा, ठीक। उस टाइम करवाऊंगा तो वन टाइम होगा तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, है बहुत आसान, बहुत ही सिंपल है। और मैंने बताया हुआ है कि अगर सपोज करो मैं मोशन को, सर्कुलर मोशन को दो हिस्सों में डिवाइड करूं, जैसे मैंने एक काइनेमेटिक्स में एक लीनियर मोशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया, या तो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर कांस्टेंट नहीं है, यानी कि वो एक्सेलरेट करती है, याद है, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसी तरीके से सर्कुलर काइनेमेटिक्स, रोटेशनल काइनेमेटिक्स के दो हिस्से हैं, या तो ओमेगा सेम रहेगा, स्पीड सेम रहेगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या फिर उसकी स्पीड चेंज होगी, या बढ़ेगी या फिर कम हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, मैं आपको एक न्यूमेरिकल से इसको क्लियर करने की कोशिश भी करूंगा। पहले इसका थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। सबसे पहले अगर तो मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर, ये लिखना पड़ेगा आपको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है और बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल, तो हम क्या मानते हैं, वी, वी का मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब स्पीड, तो हम क्या मानते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड की वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट, राइट। ऐसे किया हमने, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, और डायरेक्शन चेंज करने की वजह से देयर इज एन एक्सेलरेशन नोन एज सेंट्रिपिटल, राइट। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें मालूम है, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से, पर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होने का जो रीजन है मैंने आज बताया आपको, वो क्या है, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, राइट। ये हमने किया, ठीक है, क्लियर है। और मुझे एक चीज बताओ कि अगर बॉडी सर्कल में घूम रही है और स्पीड सेम है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसमें होगी कि नहीं होगी। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है क्या, सपोज करो मैं एक ट्राइसिटी का चक्कर काट रहा हूं और मैं अभी चल रहा हूं, सीधा चल रहा हूं क्योंकि अभी काफी देर जाके, काफी दूर जाके मुड़ूंगा मैं, तो एक केस ये है कि मान लो मैं यहां से चला विद वेलोसिटी ऑफ 2 2 2, फिर 2 2 2, फिर ऐसे इस तरीके, तो मतलब कहने का मतलब कि यहां वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है, फिर डायरेक्शन हैज चेंज, डायरेक्शन हैज चेंज एंड सो ऑन, राइट। लेकिन स्पीड को मैंने चेंज नहीं किया। लेकिन अगर सपोज करो मैं चलते हुए स्पीड को चेंज कर देता हूं, मैं बहुत बड़ा चक्कर काट रहा हूं और बहुत बड़े चक्कर के हिसाब से अगर मैं मान लो सीधा चल रहा हूं, तो मेरी वेलोसिटी यहां पर 2 है, फिर 3 हो गई और फिर 4 हो गई, फिर मैं इधर मुड़ गया और जब मैं थोड़ा सा इस तरफ मुड़ा, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई, 6 हो गई, फिर मैं इस तरफ मुड़ पड़ा, मतलब मैं इस तरीके से कुछ देर तो मैं सीधा जाऊंगा ना, स्मॉल, फिर मुड़ूंगा, फिर मुड़ूंगा, ऐसे है ना, सर्कुलर ऐसे होती है, ऐसे हम देखते हैं, लेकिन फॉर अ वेरी स्मॉल एलिमेंट हम कुछ देर के लिए सीधा चलते हैं, तो सीधे चलते चलते स्पीड 2 3 4, फिर इधर 5 6 7 8 9 10, तो आप एक चीज देखो, सीधा चलते चलते ही मैंने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, तो जिस डायरेक्शन में मैंने स्पीड को बढ़ाया, सपोज दिस इज अ केस ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की।
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर मैंने क्या बताया कि सपोज अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल और यहां से आते 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 ही इसने फिर स्पीड को क्या कर दिया, इंक्रीज, यार 2, 3, 4, 5, 6, ये लो वो लीनियर चल रहा है, लीनियर चलते चलते ही स्पीड को बढ़ा दिया। तो ऐसे केस में मुझे पता है कि देयर इज चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, तो यहां पर क्या जनरेट हो जाएगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हाँ, उसके पास डायरेक्शन तो चेंज हो ही गई वेलोसिटी की, तो देयर विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एज वेल एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये रूल समझ में आया। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को टेंजेंट की फॉर्म में क्यों लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियली अपनी वैल्यू को चेंज कर रही थी, सीधा जाते जाते वेलोसिटी 2, 3, 4, तो एक्सेलरेशन भी इसी तरफ होगी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, राइट। तो डीवी बाई डी टी, और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी क्यों, क्योंकि चेंज इन स्पीड, और चेंज इन स्पीड क्या जनरेट कर रही है हमें, वैल्यू चेंज हो रही है स्पीड की, तो ये जनरेट हो रहा है, नहीं तो ये जनरेट नहीं होता था। अब इस केस में अगर कोई कहेगा कि स्पीड की वैल्यू इसमें क्या है, कांस्टेंट, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल ही लेते हैं, निकाल लो ये लो, दिस इज अ कांस्टेंट एंड कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस केस में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है यहां तक? क्या रूल क्लियर है यहां तक? ठीक है, राइट। ठीक, अब मुझे एक चीज बताओ कि यहां पर वी और ओमेगा दो चीजें होती हैं। देखो अगेन, हमारा पढ़ने का तरीका है, हम लीनियर मोशन को डिस्कस करना, सर्कुलर को लीनियर की फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हैं या सर्कुलर को एंगल के साथ, एंगुलर मोशन के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं। तो जो लोग तो एंगल के हिसाब से बोलते हैं तो वो तो डी थीटा बाई डी टी बोलेंगे, तो उनके लिए स्पीड क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी। और जो लोग लीनियर के साथ काम कर रहे हैं तो वी, वी इज इक्वल टू, तो ये बताओ अगर वी बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, ओमेगा भी बढ़ेगा, पर अगर वी की वैल्यू इज कॉन्स्टेंट तो ओमेगा इज ऑल्सो, तो ओमेगा भी इस केस में कांस्टेंट रहेगा। और अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाय डीटी। अल्फा का मतलब होता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन, कि कितनी तेजी से ओमेगा चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली ओमेगा इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन इज जीरो, तो अल्फा इस केस में क्या जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इसमें अल्फा नहीं होगा। इसीलिए जितने भी न्यूमेरिकल हमने अभी तक किए, हमने ओमेगा को हमेशा क्या माना, कांस्टेंट। आप नोट करो, मैंने एक भी क्वेश्चन में अल्फा की बात नहीं की, क्यों, क्योंकि अल्फा था ही नहीं, अल्फा नहीं था, एटी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, एसी था, और तभी तो सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल के ऊपर बेस्ड थे। लेकिन जरा सी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो गई, एटी भी आ जाएगा और अल्फा भी आ जाएगा, मतलब वी और ओमेगा का जो रिलेशन होता है वही एटी और अल्फा का होता है। अगर वी नहीं होगा, अगर वी वी बढ़ेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, राइट। ऐसी अगर एटी जनरेट हो जाएगा तो अल्फा भी एग्जिस्ट करेगा, अभी बताऊंगा कैसे। यहां तक क्लियर है, पहले ये देख लो, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? अब उस केस में अगर हम चलें, यहां पे चलते हैं,
इस केस में जब स्पीड चेंज हो रही है, जब स्पीड चेंज हो रही है तो एसी की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? क्यों करेगी? अब तो स्पीड चेंज हो रही है, क्योंकि वो तो डायरेक्शन, क्योंकि एसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वेलोसिटी का, डायरेक्शन का चेंज होना, और डायरेक्शन इसमें भी चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन उसमें भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन इसमें भी चेंज हो रही है, तो एसी दोनों में एग्जिस्ट करेगा। सेंटर वैसे भी दोनों में, दे आर मूविंग इन अ सर्कल, तो सेंट्रीपेटल तो हर हालत में होगी ही होगी। क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट है, सेंट्रीपेटल तो है। अच्छा, एटी करेगा, एटी करेगा, एटी का मतलब क्यों? क्योंकि ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्पीड की वैल्यू का चेंज होना, स्पीड चेंज हो गई, एटी जनरेट हो गया, और साथ ही साथ इसमें क्या जनरेट करेगा? अल्फा भी करेगा। अल्फा का मतलब ओमेगा इज इंक्रीजिंग, बिकॉज वी इज इंक्रीजिंग एंड वी इज इक्वल टू आर इनटू ओमेगा। इफ वी इंक्रीज, ओमेगा इंक्रीज, वी के इंक्रीज होने की वजह से क्या जनरेट होता है? एटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ओमेगा के इंक्रीज होने से क्या चीज जनरेट होती है? अल्फा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वहां पे एटी जनरेट, अगर आप यहां से कैलकुलेशन करते हो तो एटी जनरेट हो जाएगा, वेलोसिटी स्पीड चेंज हो रही है, और घूमने के चक्कर में क्या आंसर दोगे? अल्फा जनरेट हो जाएगा। अगर वी इंक्रीज नहीं होगा, एटी जीरो हो जाएगा, वी इंक्रीज नहीं होगा, ओमेगा इंक्रीज नहीं होगा, तो अल्फा भी जीरो हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? मैं इसे एक न्यूमेरिकल के साथ सॉल्व करना चाहता हूं ताकि कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर दिखे। ठीक है, तो थ्योरी है, थ्योरी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एटी एसी, एटी अल्फा, मतलब इतना सारा ढेरी लगा दिया एक्सेलरेशन का, एक तो खत्म नहीं हुई, ए अब ए की जगह एसी किया, चलो वहां तक भी मान लिया, एसी में अब एटी में आ गए, एटी के साथ साथ अल्फा भी ले आए। तो मैं आपको न्यूमेरिकल से समझाता हूं कि तीनों को आपने देखना कैसे है। ठीक, ओके, फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल, सपोज आपको एक क्वेश्चन में ये गिवन है कि वेलोसिटी की वैल्यू v इज चेंजिंग एज t स्क्वायर। ठीक है, किसी ने कहा सर वेलोसिटी आप सर्कल में घूमो, मैंने कहा हाँ सर्कल में घूमेंगे, उसने कहा सर्कल में घूमो लेकिन वेलोसिटी को चेंज करना, मैंने कहा ठीक है कर देंगे, 1 2 3 4, कहते ना 1 2 3 4 नहीं, घड़ी में हाथ में घड़ी रख लेना स्टॉप वॉच, टाइम अगर जीरो होगा आपकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, टाइम वन होगा तो वन, टाइम टू होगा टू का स्क्वायर इज फोर, थ्री होगा थ्री का स्क्वायर इज नाइन, तो इस तरीके से आपने वेलोसिटी चेंज करनी है, लेकिन मूव आपने सर्कल में करना है, राइट? तो साफ एक केस है, दिस इज अ केस ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, राइट? समझ में आया यहां तक? तो कैसे पता लगता है आपको? क्वेश्चन में ये बताएगा नहीं कि दिस इज अ केस ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो अल्फा ले लो या फिर ओमेगा चेंज करो, कुछ नहीं बोलेगा, वो कहेगा वी की वैल्यू टी स्क्वायर है, आप खुद समझोगे कि अब यहां पर ये जो है वेलोसिटी चेंज होगी। ज्यादातर केस में वो v 10 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड कॉन्स्टेंट रखता है, तो पता लग जाता है क्वेश्चन के सेंस से कि स्पीड सेम है, वैसे भी लिखा होता है क्वेश्चन में इट इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वर्ड है, पक्का वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, और 90% ज्यादा क्वेश्चन में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है,
कुछ केस ऐसे हैं दो तीन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उनमें से एक ये तो मैंने बोल ही दिया ना वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं। दूसरा केस है अगर मैं एक पत्थर को ऐसे घुमाऊं वर्टिकल सर्कल, आज मैंने किया सिर्फ हॉरिजॉन्टल, इसमें नहीं, इसमें वेलोसिटी सेम है, वर्टिकल में अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हैं वेलोसिटी वैसी कम हो जाती है, फिर नीचे आते हुए बढ़ती है, ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा है। तो दिस इज अ केस ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहां पर जो है जो वेलोसिटी चेंज होंगी, पॉइंट समझ। तो ये अगले लेक्चर का काम है, आज हमारा सिंपल यही काम है। तो यहां तक क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन सुनो, क्या है क्वेश्चन? है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितने लोग मानते हैं कि कांस्टेंट रहेगी इसमें? और डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन तो कोई चेंज, डायरेक्शन तो वैसी चेंज हो रही है, तो एसी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट विल रिमेन सेम। कितने लोग बोलते हैं नहीं सेम नहीं होगा, इट विल चेंज? कितने लोग बोलते हैं कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन सेम रहेगी बिकॉज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इज डायरेक्शन एंड डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं है? कितने लोग बोलते हैं नहीं V की वैल्यू चेंज हो रही है तो सेंट्रिपिटल भी चेंज होगी? चेंज होगी। ओके, सेंट्रिपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? V स्क्वायर। देखो खुद बोल रहा है, मेरे अंदर V आ रहा है, तो अगर आपका V चेंज हो रहा है तो सेंट्रिपिटल चेंज। यार पत्थर को स्लो घुमा रहे हो पहले, फिर तेज, फिर तेज, फिर तेज, आपको ऐसा नहीं, आपको जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। जोर ज्यादा लगाने का मतलब कि सेंट्रिपिटल फोर्स बढ़ गई, सेंट्रिपिटल फोर्स बढ़ेगी यानी कि एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल बढ़ेगी, सेम नहीं हो सकती। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? आप कुछ लोग कहेंगे सिर्फ डायरेक्शन का चक्कर। देखो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ही तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया था, v स्क्वायर बाय r, मान लो r 1 मीटर है, राइट? तो क्वेश्चन के अंदर अगर v स्क्वायर बाय r है तो v तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो सेंट्रिपिटल का जो फॉर्मूला होगा वो भी टाइम के साथ अपनी वैल्यू को चेंज करेगा। कोई डाउट है इसमें? ठीक है यहां तक। अच्छा ये बताओ, फाइंड फाइंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्वेश्चन है फाइंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो सिंपल है, आप सबसे पहले एट टाइम टी इज 2 सेकेंड पर क्या निकालेंगे, वेलोसिटी, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 मीटर पर सेकेंड, और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाय आर, तो वी का मतलब 4 का स्क्वायर बाय, तो एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल क्या आएगी, 16 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो जिन क्वेश्चन में वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी उन क्वेश्चन में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हर इंस्टेंट पर चेंज होगी। क्या पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने लोग बोलते हैं कि इसमें तो एटी भी होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? होगी, क्यों? क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है, अगर वी की वैल्यू चेंज हो रही है तो एटी भी होगा, और एटी होगा क्या, इस तरफ ही होगा टेंजेंशियल, एटी की वैल्यू क्या होगी, डीवी डिवाइडेड बाय, तो साइड पे निकालते हैं, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए ऑफ टी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, डीवी बाय सेंट्रिपिटल का तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, टेंजेंशियल का डिफरेंशिएशन से आता है हमेशा, राइट? तो सेंट्रिपिटल का तो सीधा याद कर लो, लेकिन टेंजेंशियल का डिफरेंस, तो डिफरेंशिएशन से क्या आएगा, डी बाय डी टी ऑफ वी की जगह क्या, टी का स्क्वायर,
तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, 2 times t। और मेरा क्वेश्चन है फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ऑब्वियसली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 into 2, 4 meters per second का स्क्वायर। ठीक, कोई डाउट इसमें, समझ आ रहा है यहां तक? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्लियर है 2 सेकंड पे। देवांग नहीं, रिपीट। ठीक है, क्वेश्चन आएगा फाइंड नेट एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। देखो, जब कोई बॉडी के बाद दो दो एक्सेलेरेशन होती हैं 2 सेकंड पे, एक सेंट्रीपेटल है जिसकी वैल्यू कितनी है 16, और साथ में एक टेंजेंशियल है जिसकी वैल्यू कितनी है 4, राइट? तो नेट एक्सेलेरेशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, ये रही नेट एक्सेलेरेशन। तो ए नेट इज अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। आंसर समझाया आता? तो जब दो दो एक्सेलेरेशन होंगी तो आपको नेट एक्सेलेरेशन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर सम। अच्छा, नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट इज, क्योंकि वेलोसिटी, ध्यान आगे प्लीज, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी, टी का स्क्वायर किसी भी इंस्टेंट पे इसको, और हां ये जो एक्सेलेरेशन आई थी इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन बोल सकते हैं। कौन सी? इंस्टेंटेनियस टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन, क्योंकि हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है। क्लियर यहां तक? तो इस केस में वी का फॉर्मूला किसी भी इंस्टेंट पर टी स्क्वायर है। अच्छा, अगर मान लो रेडियस की वैल्यू इस क्वेश्चन में 1 मीटर है, मुझे सिर्फ ये बताओ टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है इसमें, 1 मीटर पर सेकेंड है। टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड है। रेडियस दो तो 1 ही रहेगा, तो मुझे पता है कि जो v होता है वो क्या होता है, r इंटू ओमेगा होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय r, राइट? तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v कितना है 1, रेडियस कितना है 1, यूनिट्स क्या होंगे 1 रेडियन। तो यानी कि पहले ओमेगा कितना था, 1 था, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r में v पता है, ओमेगा आर पता है, तो ओमेगा आ गया। अब मुझे पता है कि v की वैल्यू 4 हो गई, ओमेगा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय r, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 2 रेडियंस पर सेकंड। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ओमेगा की वैल्यू भी चेंज हो रही है ना। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि v चेंज हो रहा है। पहले v 1 था तो ओमेगा 1 था, अगर v 4 है तो मैंने निकाल लिया ओमेगा कितना है 2। तो मुझे एक चीज बताओ, ओमेगा की वैल्यू पहले कितनी थी, 1 रेडियन पर सेकेंड, जो अभी मैंने निकाली। ओमेगा की वैल्यू बाद में कितनी हो गई, 2 रेडियंस, और कितनी देर में, इन्हें माइनस करो, कितने टाइम में ऐसा हुआ, 2 minus 1 1 सेकेंड में। चेंज कितनी देर में हुआ, 1 सेकेंड में हुआ। कोई डाउट इसमें? तो वही क्वेश्चन हो गया कि जैसे एक कार जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड और थोड़ी देर बाद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, कितनी देर में, मान लो 5 सेकेंड में। तो अगर मैं कहूं कि इसमें एक्सेलेरेशन निकालो, यू विल अप्लाई वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, सेम ओमेगा की वैल्यू 1,
ओमेगा चेंज हो गया टाइम, क्वेश्चन आएगा फाइंड अल्फा, ओमेगा का रेट क्या बोलते हैं अल्फा, तो यू विल अप्लाई ओमेगा इज ओमेगा प्लस अल्फा इनटू टी, वी इज यू प्लस एटी, वेयर ओमेगा 2 इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 1 इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, वी की जगह ओमेगा 2, यू की जगह ओमेगा 1, तो यहां पर क्या पुट करेंगे 2 1 अल्फा, तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 1 रेडियंस पर सेकंड का, देखो अल्फा भी आ गया इसमें, पॉइंट समझ में आया कि अगर ओमेगा चेंज होगा तो मैंने मैथमेटिकली प्रूव किया अगर ओमेगा चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली अल्फा जनरेट हो रहा है, समझ में आ रहा है यहां तक, तो इसमें से क्या आएगा कुछ नहीं आएगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली स्कूल में से कुछ भी नहीं आएगा, बट रोटेशनल मोशन का जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें वेलोसिटी हमेशा चेंज होगी, तो उसमें तो रोज अल्फा यूज होना ही है, तो एक बार तो अभी कर लिया, एक बार रोटेशन में हो जाएगा तो अच्छे से सही बैठ जाएगा, दो बार करने से चीज सही बैठती है, और मेरी वैसे भी थोड़ी आदत है मैं थोड़ा सा पहले ही एक चैप्टर पहले से ही थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, और ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल का आंसर सही नहीं आएगा अगर आपने इन पॉइंट्स को नहीं देखा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फ्रीक्वेंसी में ओमेगा में, ये चीजें आपको तंग करेंगी। तो देखो सबसे पहली चीज जो यूनिट्स हैं, आपको यूनिट्स बहुत ध्यान से पढ़ने हैं इस चैप्टर में, तो यूनिट्स के अंदर जैसे वेलोसिटी क्या होती थी dx by dt और यूनिट्स क्या थे मीटर पर, ऐसी लीनियर एक्सेलरेशन के यूनिट्स मीटर पर सेकंड का, कोई डाउट इसमें राइट, उसी तरीके से ओमेगा क्या होता है d थीटा बाय यूनिट्स बोलो राइट और ओमेगा का नाम एंगुलर वेलोसिटी, भूलना नहीं एंगुलर वेलोसिटी लिखेगा ओमेगा कभी नहीं लिखेगा, आपको न्यूमेरिकल में ओमेगा वर्ड नहीं दिखेगा, ये आपको सिंबल मैं शॉर्टकट यूज करता हूं, लेकिन द पॉइंट इज इसका नाम क्या है एंगुलर वेलोसिटी। उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डी ओमेगा बाय डी टी यूनिट्स बोलो रेडियंस पर, ठीक है यहां तक, यूनिट्स एंड डायमेंशन भी शायद हमने डिस्कस किए थे बट पॉइंट क्लियर है, पहचान लोगे यूनिट से कि रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का मतलब अल्फा और रेडियन पर सेकंड का मतलब ओमेगा राइट। अब देखो एक टर्म इसमें बहुत यूज होती है न्यूमेरिकल्स में, उसको क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी को कई बुक्स एन से रिप्रेजेंट करती हैं, तो कई बुक्स न्यू से रिप्रेजेंट करती हैं, और कई बुक्स एफ से भी रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे मर्जी कर लो। क्लियर है यहां तक? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन वन सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन है वो फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी सर्कल में घूमती है और एक चक्कर कितनी देर में काटती है इन टाइम पीरियड? बड़ा टी। बड़ा टी यही होता है। तो कैपिटल टी की वैल्यू, कैपिटल टी सेकेंड में, रादर कैपिटल टी सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन है? वन। तो वन सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन है, और वन सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन है, उसी को तो क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वन बाय टाइम पीरियड। यूनिट फ्रीक्वेंसी के क्या होंगे? वन बाय सेकेंड, या फिर हर्ट्स, या रेवोल्यूशन पर सेकेंड भी हो सकते हैं। वन बाय सेकेंड या रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स हैं, राइट? ठीक। अब न्यूमेरिकल के अंदर कंफ्यूजन कहां होती है, क्योंकि इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो एकदम सही है। इसमें तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं, सबको पता लग चुका है कि फ्रीक्वेंसी रेवोल्यूशन पर सेकेंड है, ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड है, राइट? क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट ऐसी आएगी, अ बॉडी इज रोटेटिंग, अ बॉडी इज सपोज रोटेटिंग विद फ्रीक्वेंसी ऑफ, या विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 आर पी एस, ठीक है? तो वो ज्यादातर ऐसे सिंबल यूज करेगा, 40 आर पी एस। तो कितने लोग एग्री करते हैं कि ये रेडियंस पर सेकेंड है? कितने लोग बोलते हैं रेवोल्यूशन पर सेकेंड है? देखो, आर पी एस कभी भी लिखा होगा तो इसका मतलब ये रेवोल्यूशन पर सेकेंड है, रेडियंस नहीं है, राइट? और रेवोल्यूशन पर सेकेंड जो है किसके यूनिट है? फ्रीक्वेंसी के। न्यू लिखो या एफ लिखो, एक ही बात है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो न्यूमेरिकल में इसको क्या कंसिडर किया जाएगा? फ्रीक्वेंसी कंसिडर किया जाएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक, पहला पॉइंट क्लियर। फिर वो कहेगा कि अ बॉडी इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 40 आर पी एस। अब मैंने वर्ड क्या यूज किया? एंगुलर। मन में आता है कि ये क्या देगा हमें? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, पर यूनिट्स किसके लगा दिए? फ्रीक्वेंसी के। अब देखो यहां कंफ्यूजन हो जाएगी, नाम लेगा वेलोसिटी का, देगा क्या यूनिट्स? फ्रीक्वेंसी के। तो आपने नाम पे नहीं जाना, आपने यूनिट्स पे जाना है। अगर रेवोल्यूशन पर सेकेंड है तो फिर ये क्या ट्रीट की जाएगी? फ्रीक्वेंसी ही ट्रीट की जाएगी, राइट? तो फिर इसको क्या ट्रीट करेंगे? फ्रीक्वेंसी। आरपीएस आ गया, आरपीएस फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो मर्जी नाम लेता रहे अगर पीछे आरपीएस है तो वो समझो फ्रीक्वेंसी ही है, बात ही खत्म हो गई। चाहे उसको एंगुलर वेलोसिटी बोले, चाहे जो मर्जी बोले, आरपीएस मींस फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि वो आपको फ्रीक्वेंसी दे, वो आपको फ्रीक्वेंसी दे, और आपसे आप खुद क्या निकाल लें? ओमेगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी, और हमने डिस्कस किया 1 बाय टी क्या होती है, तो फॉर्मूला बन गया ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इनटू न्यू, एक ही बात है, सिंबल न्यू सिंबल फ्रीक्वेंसी एक ही बात है। तो ऐसे केस में अगर आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 40 गिवन है तो आपका आंसर आएगा 80 पाई। यूनिट्स क्या होंगे अब? रेडियंस पर सेकेंड। समझ में आया? तो फ्रीक्वेंसी से ओमेगा आप खुद निकाल लेंगे, इसमें आपने यूनिट्स पे ही जाना है। वो आरपीएस कह रहा है तो फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन आपको न्यूमेरिकल में चाहिए होगा ओमेगा, तो आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे? ओमेगा। कार्तिक, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? बाई टी, 2 पाई इंटू न्यू न्यू।
ठीक, और जैसे सपोज आएगा अ बॉडी इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 40 रेडियंस पर सेकेंड इन टाइम 10 सेकेंड इन टाइम 10 एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 80 रेडियंस पर सेकेंड। क्वेश्चन है कि आपके पास एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी 40 और टाइम 10 सेकेंड में फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई या वेलोसिटी कितनी हो गई 80। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा। देखो क्या गिवन है, पहले आइडेंटिफाई करो, एंगुलर वेलोसिटी पे नहीं जाना, यूनिट्स क्या है, रेडियंस पर सेकेंड, यार बार बार नहीं, रेडियंस पर सेकेंड, और उसी तरीके से 80 रेडियंस पर सेकेंड, तो क्या गिवन है, ओमेगा की फ्रीक्वेंसी, रेडियन मतलब ओमेगा, रेवोल्यूशन मतलब फ्रीक्वेंसी, राइट, तो ये सीधा रेडियंस बोल रहा है तो ओमेगा ही गिवन है, तो यानी कि आपको क्या गिवन है, इनिशियल ओमेगा 40 रेडियंस पर सेकेंड, फाइनल ओमेगा 80 रेडियंस पर सेकेंड, और कितनी देर में, टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड में। जैसे वी यू प्लस 80 अप्लाई करते हैं, यहां पर क्या अप्लाई करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, तो 80 इज इक्वल टू 40 प्लस एल्फा इंटू 10, तो 40 इज इक्वल टू एल्फा इंटू 10, एल्फा इज 4 रेडियंस पर सेकेंड का स्क्वायर। और लास्ट पॉइंट बताना है, इसे आप क्लोज करते हैं। जब एक बॉडी सर्कल में घूमती है, उसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है v, रेडियस क्या है r, राइट, r v, एंड उसके पास ओमेगा भी होगा, फॉर्मूला बोलो v और इसका, राइट, अगर सपोज करो वेलोसिटी चेंज होती है, मतलब स्पीड इंक्रीज होती है, लेट अस सपोज, तो कौन सी एक्सेलरेशन होगी, टेंजेंशियल, राइट, और रेडियस क्या है आर, तो साथ में क्या होगा, अल्फा, एटी भी है अल्फा भी है, तो मुझे पता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, अगर मैं दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आर तो कांस्टेंट है रेडियस, तो इसमें वी भी चेंज हो रहा है और ओमेगा भी चेंज हो रहा है। अच्छा बताओ एक्सेलरेशन टेंजेंशियल क्या होती है, डीवी बाय, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, एटी इज इक्वल टू आर इनटू, इसकी जगह क्या लिखेंगे, तो फॉर्मूला बन गया, जैसे वी इज इक्वल टू आर ओमेगा ऐसे एटी इज इक्वल टू आर अल्फा, रोटेशन में बहुत यूज होता है ये फॉर्मूला। पॉइंट समझ में आया यहां तक?